हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिस विदिति रस्तोगी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन, IPEM, गाज़ियाबाद। पिछली क्लास में हमने वृत्त के क्षेत्रफल संबंधी कुछ सिंपल समस्याओं को सॉल्व करना सीखा था। हमने सीखा था कि यदि वृत्त की त्रिज्या या व्यास दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम त्रिज्या कैसे निकालेंगे। रिवर्स रिलेशन है, यदि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, और यदि त्रिज्याओं का रेशो दिया हुआ है तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का रेशो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं, सूत्र का रिवाइज कर लेते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जैसे कि हम यदि जानते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या आर है, किसी सर्कल की त्रिज्या आर है, तो उस सर्कल के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आपका पाई आर स्क्वायर। अब इस सूत्र के आधार पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रॉब्लम है यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो इसमें आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिज्या आर आपको ज्ञात करनी है। पिक्चर बना लेते हैं इसके लिए। सर्कल दिया हुआ है, सर्कल की रेडियस आर हमें ज्ञात करनी है, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर। इस इन्फॉर्मेशन को हम लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हमेशा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए इज़ इक्वल्स टू 154 वर्ग सेंटीमीटर, और रेडियस हमें कैलकुलेट करनी है। वृत्त की त्रिज्या आर हमें ज्ञात करनी है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में क्षेत्रफल की वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे। क्षेत्रफल की वैल्यू सब्सिट्यूट करने पे आपकी समीकरण बनेगी 154 इज़ इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, आर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके निकालनी है। तो इसमें पाई की वैल्यू हम क्या रखें, पाई की वैल्यू अगेन हम क्या रखेंगे, 22/7, और रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। तो आपकी समीकरण बनी 154 इज इक्वल टू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। अब आर चूँकि अननोन नंबर है तो इसको हमें सेपरेट करना होगा बाकी नंबर से, तो यानी कि 22/7 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, और जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 154/22। 22 आपका नीचे आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और 7 आपका ऊपर आएगा, और रेस्ट ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब आपका आर स्क्वायर राइट हैंड साइड में रह गया, और बाकी जितने भी नंबर्स थे आपके वो कहाँ पहुँच गए, लेफ्ट हैंड साइड में पहुँच गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू। अब जो आपका लेफ्ट साइड में यानी कि बाई तरफ जो भी एक्सप्रेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो हम पाते हैं कि 154 और 22, इसको हम, इसमें कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर आपका क्या है, 2। तो 2 से दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं। 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 की बजाय हम सीधे सीधे इसमें 22 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 22 से यदि हम 154 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, यानी कि 154 22 से डिविजिबल है। यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो हमको मिलता है 7। तो आपका बाएं तरफ आपका मिला 7/7, और दाएं तरफ आपका आर स्क्वायर है। अब इस आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हम जानते हैं आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर इंटू आर। तो आपका जो समीकरण बनी वो 7 × 7 इज इक्वल टू आर इंटू आर। तो इस आधार पर आपकी आर की वैल्यू क्या होगी, आपकी आर निकल के आएगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि वृत्त की त्रिज्या आर आपकी निकल के आई 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आए, यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम वृत्त की त्रिज्या आर निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो त्रिज्या है वो आपकी होल नंबर में निकल के आई है, और अगर आप बाई तरफ देखें तो 7 × 7 है, तो सीधे सीधे हमारी आर की वैल्यू 7 निकल गई। पर यदि इस तरह का एक्सप्रेशन नहीं आता तो हमें उस केस में क्या निकालना होगा, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालना पड़ेगा।
आर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वर्गमूल कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 3 गुनी है तो उसका क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होगा। इसमें 2 सर्कल्स के रेडियस के बीच का रिलेशनशिप दिया हुआ है और उन सर्कल्स के क्षेत्रफल के बीच का रिलेशनशिप आपको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोनों सर्कल लेते हैं। पहले हम बात करेंगे दूसरा सर्कल, क्योंकि दूसरा सर्कल जो है, पहला सर्कल दूसरे सर्कल का से बड़ा है। पहला सर्कल की त्रिज्या दूसरे सर्कल की त्रिज्या से बड़ी है, 3 गुनी है। तो पहले जो छोटा सर्कल है हम उसे एज्यूम करते हैं। मान लिया कि हमने जो छोटा सर्कल है यानी कि जो दूसरा सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो हमने दूसरा सर्कल लिया वृत्त 2 और इसकी रेडियस हमने मानी, इसकी रेडियस आपकी कितनी है, आर। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला सर्कल उसकी रेडियस दूसरे सर्कल की 3 गुनी है, तो आपका पहला सर्कल ऑब्वियसली क्या होगा, बड़ा होगा। उसकी रेडियस कितनी होगी, दूसरे सर्कल की 3 गुनी, यानी कि आपकी जो पहले सर्कल की रेडियस R1 है वो कितनी हुई, 3R। पहले सर्कल की रेडियस को हमने R1 से रिप्रेजेंट किया है और दूसरे सर्कल की रेडियस को हमने R2 से रिप्रेजेंट किया है। दूसरे सर्कल की रेडियस चूँकि छोटी है और इन दोनों में गुना का रिलेशनशिप है तो हमने मान लिया R है, तो इसीलिए पहले सर्कल की रेडियस आपकी 3 गुनी कितनी हो गई, R2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3R। तो ये रिलेशनशिप हमने इन पिक्चर्स में शो किया है। अब ये रिलेशनशिप आपको दिया हुआ है, इस रिलेशनशिप के आधार पे आपको दोनों के क्षेत्रफल के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले हम इनका दोनों सर्कल्स का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले सर्कल का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वृत्त 1 की रेडियस आपकी R1 कितनी है, 3R है। और यदि हम इसका क्षेत्रफल निकालें, वृत्त 1 का क्षेत्रफल निकालें, A1 निकालें, तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे पाई R1 स्क्वायर। अब R1 की वैल्यू यदि मैं सब्स्टिट्यूट करूँ, R1 की वैल्यू क्या है, 3R, तो आपका एक्सप्रेशन बना A1 इज इक्वल टू पाई 3R का होल स्क्वायर। और 3R के होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि 3R को 2 बार मल्टीप्लाई करो, तो एक्सप्रेशन आपका बना A1 इज इक्वल टू पाई इंटू 3R इंटू 3R। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा 3R है, 3R इंटू 3R है। इसको इन तीनों, इन दोनों 3 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 9, और R को R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर। तो आपका एक्सप्रेशन बना A1 इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, पाई एज इट इज़, और R को R से मल्टीप्लाई किया तो R स्क्वायर। तो ये आपकी बन गई समीकरण 1। इसी तरह से हम वृत्त 2 का क्षेत्रफल भी कैलकुलेट करेंगे। तो वृत्त 2 की त्रिज्या R2 आपकी कितनी है, R, और इसीलिए वृत्त 2 का क्षेत्रफल A2 से रिप्रेजेंट किया गया है। A2 कितना होगा, पाई R2 स्क्वायर। और यदि हम R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, दैट इज़ R, तो हमारा एक्सप्रेशन बनता है A2 इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। ये आपकी बन गई समीकरण 2। यदि इन दोनों समीकरणों को अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों का रेशियो निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है कि कौन सा कितना गुना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक समीकरण को दूसरी समीकरण से भाग देना पड़ेगा। यदि हम समीकरण, इसके लिए हम समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। तो डिवाइड करने पर, दोनों समीकरणों को डिवाइड करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या था, A1, और दूसरी समीकरण में A2, तो A1 को A2 से डिवाइड किया। और राइट हैंड साइड में आपका क्या था, पहली समीकरण में 9πr² और दूसरी समीकरण में πr², तो 9πr² को πr² से डिवाइड किया। तो आपका ये आपका एक्सप्रेशन बना, और इसमें आप देख रहे हैं कि πr² को हम πr² से डिवाइड कर सकते हैं, πr² से कट हो गया। और नेक्स्ट आपका बना A1 और A2 के बीच में कितना रिलेशन आ रहा है, आपका 9:1 का रिलेशन आ रहा है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का 9 गुना होगा। इस तरीके से यदि आपको रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, रेडियस के बीच में अनुपात दिया हुआ है, तो आप
एरियाज़ के बीच में, व्रत के एरियाज़ के बीच में अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अब रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।